गुड मॉर्निंग गर्ल्स, वी आर स्टडी BSc पार्ट सेकंड जूलॉजी पेपर फर्स्ट एनिमल डाइवर्सिटी आर्थ्रोपोडा टू प्रोटोकोडेटा। इसके अंतर्गत हम सेकंड यूनिट में सेकंड डे का अध्ययन करेंगे। इससे पहले इस यूनिट में हमने पढ़ा था जनरल कैरेक्टर ऑफ मोलस्का। नाउ आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का अप टू सब क्लास। नाउ वी आर स्टार्ट। सबसे पहले मैं तुम्हें फाइलम मोलस्का की क्लासिफिकेशन की आउटलाइन बता देता हूँ। फाइलम मोलस्का को 6 क्लासों में डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। फाइलम मोलस्का को 6 क्लासेज में डिवाइडेड किया गया है। 6 क्लासेज का नाम क्या है? फर्स्ट है मोनोप्लेकोफोरा, सेकंड है एम्फ्यून्यूरा, थर्ड क्लास है गैस्ट्रोपोडा, फोर्थ क्लास है स्केफोपोडा, फिफ्थ क्लास है पैलेसीपोडा और सिक्स क्लास है सेफेलोपोडा। इस प्रकार 6 क्लासेज है। तो फाइलम मोलस्का को 6 क्लासेज में क्लासिफाइड किया गया है। वर्ग मोनोप्लेकोफोरा के जीव विलुप्त है, इसलिए इसका ज़्यादा और आगे क्लासिफिकेशन नहीं है। ये इसका द एंड यहीं पर हो जाता है। और इसका उदाहरण है नियोपिलाइना। तो एक वर्ग तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया वैसे ही, है ना। मैं इनका मोनोप्लेकोफोरा कैसे नाम रखा, एम्फ्यूनेरा कैसे नाम रखा, मैं तुम्हें आगे बता दूंगा ये चीज़ें। अभी अपन आउटलाइन पढ़ रहे हैं। सेकंड है एम्फ्यून्यूरा। एम्फ्यून्यूरा को 2 सब क्लासेज में डिवाइडेड किया गया है ना। क्योंकि अपना क्लासिफिकेशन कहाँ तक पूछा है? सब क्लास, मोलस्क अप टू सब क्लास, है ना। इसलिए हम सब क्लास तक पढ़ेंगे। तो क्लास एम्फ्यून्यूरा को 2 सब क्लासेज में डिवाइडेड किया गया है, पॉलीप्लेकोफोरा अप्लेकोफोरा, ठीक है। पॉलीप्लेकोफोरा अप्लेकोफोरा। पॉलीप्लेकोफोरा में काइटन, कीटोप्लूरा, क्रिप्टोकाइटन, लेपिडोकाइटन, है ना। वैसे तुम्हें एक एक दो दो एग्जांपल, दो एग्जांपल मैक्सिमम, दो एग्जांपल याद रखने है ना, जो एग्जांपल इम्पोर्टेंट हो। जैसे काइटन, कीटोप्लूरा, क्रिप्टोकाइटन, लेपिडोकाइटन, इसमें दो याद करोगे तुम तो दो अच्छे जो अधिकतर पूछे जाते हैं और इधर उधर लैब में भी मिल जाते हैं, तो वह है काइटन और कीटोप्लूरा। तो तुम्हें ये दो याद करने। नेक्स्ट है अप्लेकोफोरा। तो अप्लेकोफोरा में नियोमीनिया, कीटोडर्मा, प्रोनियोमीनिया, तो इसमें तुम याद रख लेना नियोमीनिया, कीटोडर्मा, ठीक। तो क्लास एम्फिन्यूरा की 2 सब क्लासेज पॉलीप्लेकोफोरा अप्लेकोफोरा। पॉलीप्लेकोफोरा में काइटन, कीटोप्लूरा, अप्लेकोफोरा में नियोमीनिया, कीटोडर्मा। इस प्रकार 2 क्लासेज अपनी फाइलम मोलस्का की कंप्लीट हो जाती है, 4 और बची, ठीक। थर्ड क्लास है अपनी गैस्ट्रोपोडा। थर्ड क्लास का नाम है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा में
तीन सब क्लासेज हैं, प्रोसोब्रेंकिया, ओपिस्टोब्रेंकिया, पल्मोनेटा। प्रोसोब्रेंकिया, ओपिस्टोब्रेंकिया, पल्मोनेटा, ठीक है। प्रोसोब्रेंकिया, ओपिस्टोब्रेंकिया, पल्मोनेटा। प्रोसोब्रेंकिया, प्रोसोब्रेंकिया का एग्जाम्पल है हेलियोटिस, पटेला, ट्रोकस, पाइला, साइप्रिया, लिटोराइना, ठीक है। तो जाने पे जाने एग्जाम्पल है अपने पास पटेला, पाइला, साइप्रिया, पटेला, पाइला, साइप्रिया, ये प्रोसोब्रेंकिया के एग्जाम्पल है जिसमें पाइला को अपन विस्तृत रूप से भी पढ़ते हैं। सेकंड क्लास है अपनी ओपिस्टोब्रेंकिया, सेकंड सब क्लास है क्लास गैस्ट्रोपोडा की ओपिस्टोब्रेंकिया। इसके एग्जाम्पल है, जाना पहचाना एग्जाम्पल इसमें है एप्लिसिया, एक्टियन एप्लिसिया, ये जाने पहचाने एग्जाम्पल है। बाकी इसने बहुत सारे दे रखे हैं, तो अपन को जाने पहचाने दो एग्जाम्पल याद करने हैं। ओपिस्टोब्रेंकिया में एक्टियन एप्लिसिया, प्रोसोब्रेंकिया में पटेला, पाइला, साइप्रिया। और थर्ड सब क्लास है अपनी पल्मोनेटा, थर्ड सब क्लास है पल्मोनेटा, इसमें भी बहुत सारे बता रखे हैं, लेकिन अपन को जाने पहचाने दो दो एक एग्जाम्पल देखने। लिमनिया हेलिक्स लाइमेक्स, लिमनिया हेलिक्स लाइमेक्स, लिमनिया हेलिक्स लाइमेक्स। इस प्रकार ये फाइलम मोलस्क की क्लास गैस्ट्रोपोडा के तीन सब क्लासेस थी, प्रोसोब्रेंकिया, ओपिस्टोब्रेंकिया, पल्मोनेटा। प्रोसोब्रेंकिया में दो एग्जाम्पल थे अपने पाइला, साइप्रिया और पाइला, साइप्रिया और पटेला। और सब क्लास ओपिस्टोब्रेंकिया में एक्टियन एप्लिसिया, सब क्लास पल्मोनेटा में लिमनिया, लाइमेक्स, हेलिक्स। इस प्रकार अपने फाइलम मोलस्क का 50% क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ क्लास है अपनी स्केपोपोडा, फोर्थ क्लास है स्केपोपोडा, इसमें आगे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, इसलिए इसका एग्जांपल यहीं पे पढ़ते हैं हम डेंटेलियम। बहुत जाने पहचाना नाम है डेंटेलियम, जिसको हाथी दांत, जिसको हाँ हाथी दांत की तरह होता है, इसका नाम था डेड, देखेंगे आगे डेंटेलियम। और सेकंड है केडुलस। तो चार क्लास कंप्लीट हो जाती है अपनी। पांचवी क्लास है फाइलम मोलस्क की पैलेसिपोडा, पैलेसिपोडा को तीन सब क्लासेज में डिवाइडेड किया गया है। ये तीन सब क्लासेज है प्रोटोब्रेंकिया, लेमेलिब्रेंकिया, सेप्टिब्रेंकिया। प्रोटोब्रेंकिया, लेमेलिब्रेंकिया, सेप्टिब्रेंकिया। सबसे पहले प्रोटोब्रेंकिया में देखते हैं, इसका एग्जांपल है जाने पहचाना एग्जांपल है न्यूक्यूला और सेकंड न्यूक्यूलाना, न्यूक्यूला, न्यूक्यूलाना। सेकंड सब क्लास लेमेलिब्रेंकिया है, लेमेलिब्रेंकिया का एग्जांपल है ऑस्ट्रिया, पिंकटेडा, यूनियो, माइटिलस, पैक्टेन, सभी जाने पहचाने एग्जांपल है पैक्टेन, ऑस्ट्रिया, पिंकटेडा, यूनियो, माइटिलस, जिसमें यूनियो तो अपनी सीपी, जो नदियों में पाई जाती सीपी, ठीक है ना। और थर्ड सब क्लास थी सेप्टिब्रेंकिया, इसका एग्जांपल पोरोमाइया, कसपोइडिया, कोई सा भी एक कर लेना, दो भी जरूरी नहीं है क्योंकि इतना खास है नहीं। इस प्रकार फाइलम मोलस्क की क्लास पैलेसिपोडा के तीन सब क्लासेस थी प्रोटोब्रेंकिया, लेमेलिब्रेंकिया और सेप्टिब्रेंकिया। प्रोटोब्रेंकिया में एग्जांपल न्यूक्यूला, न्यूक्यूलाना है। लेमेलिब्रेंकिया का एग्जांपल पैक्टेन, यूनियो, माइटिलिस, पिंकटेडा है।
और पहले सेप्टिब्रेंकिया का एग्जांपल पोरोमाइया या कस्पिडिया है। ठीक है, इस प्रकार अपनी 6 में से 5 क्लासेज फाइलम मोलस्क की कंप्लीट हो जाती है। छठी क्लास है सेफेलोपोडा। सेफेलोपोडा को भी 3 सब क्लासेज में डिवाइडेड किया गया है। ये तीनों सब क्लासेज है नोटिलाइडिया, जिसका एग्जांपल नोटिलस अच्छा सा एग्जांपल है, अमोनाइडिया जिसका एग्जांपल सिरेटाइटिस, और थर्ड सब क्लास है सिलोइडिया जिसका एग्जांपल लोलिगो सीपिया ऑक्टोपस, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल है। ठीक है ना, तो सबसे लास्ट वर्ग सेफेलोपोडा है जिसमें 3 सब क्लासेज नोटिलाइडिया यानी नोटिलस, अमोनाइडिया यानी सिरेटाइटिस, और सब क्लास सिलोइडिया यानी लोलिगो सीपिया ऑक्टोपस जैसे एग्जांपल है। ये लास्ट वाली विकास के क्रम में सबसे अंतिम मोलस्क की अंतिम क्लास है, अंतिम वर्ग है, इसलिए इसके गुणों में बहुत विशिष्टीकरण पाया जाता है और जंतु भी बहुत बड़े बड़े जंतु पाए जाते हैं जैसे लोलिगो ऑक्टोपस। ऑक्टोपस तुमने टीवी में इनमें देखा होगा। ठीक है, सीपिया। ये इस प्रकार फाइलम मोलस्क के क्लासिफिकेशन का आउटलाइन डायग्राम था, ये मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया। ठीक है, अब हम विस्तृत पढ़ते हैं इसका, तो पहला ले लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन 6 वर्गों में किसने किया था, मॉर्टन योग पार्कर एसवेल। ठीक है, मॉर्टन योग पार्कर एसवेल ने इसको 6 क्लासों में बांटा था, जिसमें फर्स्ट क्लास थी अपनी मोनोप्लेकोफोरा। आइए इसका अर्थ समझते हैं हम। मोनो यानी वन, सब जानते हो अच्छी तरह से। ठीक, फ्लेक्स यानी प्लेट, फेरिन यानी टू बियर यानी धारण करना, मतलब एक प्लेट धारण करने वाले जंतु, मतलब जिसके शरीर पर कवच के रूप में एक प्लेट पाई जाती है, एक ही कपाट होता है पूरा। ठीक है ना, तो मोनोप्लेकोफोरा मतलब मोनो यानी एक, प्लेको यानी प्लेट। ठीक है, तो एक प्लेट को धारण करने वाले जीव मोनोप्लेकोफोरा के अंतर्गत रखे गए जिनके शरीर का कपाट एक था। ठीक है, अब इसके कैरेक्टर्स को देखते हैं हम, तो शरीर द्विपार सममित होता है, ये मोलस्क के जंतुओं का शरीर द्विपार सममित ही होता है। ठीक है, चपटा अंडाकार और सेगमेंटेड होता है, शरीर द्विपार सममित चपटा अंडाकार सेगमेंटेड होता है। कवच एक कपाटी, मैंने तुम्हें वो भी ऊपर समझा ही दिया। गमन के लिए अदर पाद चौड़ा चपटा, अदर यानी नीचे का पैर होता है था वह चौड़ा चपटा, और 8 जोड़ी पेशियाँ इसमें पाई जाती थी। परावार देह भित्ति के एक वृत्ताकार वलन के रूप में आंतरांगों को घेरे रहता है, मेंटल। 5 या 6 जोड़ी क्लोम या गिल परावार के खांचों में श्रृंखलाबद्ध व्यवस्थित रहते हैं। 6 जोड़ी नेफ्रिडिया या वृक्क की व्यवस्था सेगमेंटल होती है, नेफ्रिडिया कितनी जोड़ी, 6 जोड़ी। ठीक है, और वह सेगमेंटल। रेडुला प्रेजेंट होता है ना, रेडुला पाया जाता है। हृदय में 2 जोड़ी अलंद व सिर्फ 2 नीले होते हैं, अलिंद कितनी जोड़ी, 2 जोड़ी, यानी अलिंद कितने होंगे, 4, जबकि नीले केवल 2 पाए जाते हैं। लिंग पृथक होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल सेपरेट पाए जाते हैं, और इसके सदस्य समुद्रवासी होते हैं। ठीक है, अब देखो तुम्हारे लिए सब उपलब्ध है, 10 उपलब्ध है, 10 में से अगर तुम 3 या 4 कैरेक्टर भी लिखते हो तब भी बहुत है, खूब है मतलब। तो तुम्हें जो भी याद हो, ज़रूरी नहीं यही याद करना है, नोट्स में तुम्हें 4 लाइनें लिखा दी, चलो रटो चारों याद करो। मैं तुम्हें इसलिए फोर्स नहीं कर रहा, तुम्हारी मर्जी के 4 टॉपिक इसमें से
चार पॉइंट या तीन पॉइंट जो तुम्हें याद हो सके वह याद कर लो, जिसमें एक तो उसका अर्थ ही आ जाता है मोनो को प्लेकोफोरा का, है ना। तो कॉपी चेक करने वाला बहुत आसानी से तुम्हें नंबर दे देता है। ठीक, धन्यवाद। और इसके बाद में नेक्स्ट के पांचों वर्गों का क्लासिफिकेशन हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।